फ्लैशबैक। तो अभी शूट चल रहा है, ठीक है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एंड अभी शाम हो गया एंड वेदर बहुत अच्छा हो गया, बीच खाली है एंड यहाँ पे सेटअप वगैरह चल रहा है। मच लेटर। So, ये जो डॉग है वो तब से दो बार आके इंटरप्ट कर चुका है, ठीक है। एक वीडियो हो रहा है और ये घुस जा रहा है बार बार एंड इज नॉट ही और शी व्हाट एवर इट इज, इट्स नॉट गोइंग। चला गया, चला गया। राजा 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 लाइट आउट के डिस्टेंस दे, लाइट आउट के डिस्टेंस दे। अरे भाई ये गिनासी वाला, ये गिनासी फिर से आ गया। Much later. So guys, this is Puri Beach Market. काफी ज्यादा क्राउडेड है, काफी वैन है आप लाइक फूड ट्रक्स वगैरह मैंने सब वैन वगैरह मैंने देखा एंड इस साइड तो सारा मार्केट ही है एंड दैट उस साइड उस तरफ बीच है एंड काफी क्राउडेड है ये प्लेस। अभी 8 o'clock हो रहा है तो हम यहाँ पे एक्चुअली कुछ खाने पीने आए हैं। जैसा कि मैं बता रही थी कि लाइक शूट खत्म हो गया नाइट का एंड अभी हम लोग को काफ़ी भूख लग रहा है तो हम लोग आ गए मोस्टली जो बीच साइड का खाना खाने के लिए, बिकॉज ये ज़्यादा आई वुड प्रिफर दिस फूड रादर देन द रेस्टोरेंट फूड, क्योंकि मुझे यहाँ का स्ट्रीट फूड में आई वॉन्ट टू हैव यहाँ के मोमोज एंड वो मूढ़ी वगैरह होता है ना, तो बीच साइड एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो फिर अभी हम जा रहे हैं उस साइड, यहाँ पे सारा मार्केट अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वी लाइक फाइंड अ प्लेस टू पार्क दिस कार एंड देन हम चल के जाएंगे एंड देन हम अपना डिनर करेंगे, है ना। यहाँ हम बीच के पास आ गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे है वाओ मोमो, यहाँ पे झालमुड़ी वाला वैन एंड हम यहाँ से कुछ ना कुछ तो खाएंगे। सो लेट्स सी, बाय द वे दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल होटल। ये होटल का क्या नाम है? हाँ, विक्टोरिया होटल, काफी मस्त लग रहा है। गाइस वी आर इन पूरी बीच मार्केट बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कुछ खाना मिल जाएगा तो हम इसलिए आए, ठीक है। यहाँ पे काफी कुछ है जैसे कि आप देख सकते हैं, चाट गुपचुप मोमोज और मुझे यही सब खाना था इसलिए मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। A few moments later. So guys, this is the market and this is the of course the entire market and puri aaye hain to beach mein bina moodi khaye to nahi jayenge. The lighting is a problem but then I am sure ye theek ho jayega. So we were actually feeling very bad ki hame abhi tak kuch acha khana mila nahi tha because the entire day was very busy but then finally hame moodi mil gaya hai. एंड लेट्स सी, अब हम लोग गुपचुप खाएंगे। हाँ, गुपचुप खाएंगे इसके बाद। सो गाइस, बीच गुपचुप एंड निधि, गुपचुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट टू गुपचुप एट द बीच इज नेक्स्ट लेवल, दैट्स द बीच देयर। One eternity later. Okay guys, so अभी 11:30 हुआ एंड फाइनली शूट खत्म हो गया। मैंने थोड़ा बहुत पार्ट्स शूट किया है ऑफ द फोर्थ लुक, ठीक है। एंड वी आर लाइक सुपर टायर्ड राइट नाउ, इतना ज़्यादा टायरिंग है बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग एंड ऑल्सो दिन भर हम खड़े थे एंड शूट वगैरह हो रहा था, तो मतलब मैं तो कुछ नहीं कर रही थी बट आई वॉज लाइक द साइड किक, है ना। मैं हमेशा ऐसे साइड में खड़े होकर कुछ सामान वगैरह पकड़ रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ,
वी आर लाइक सो टायर्ड। तो अभी हम बिल्कुल फटाफट, हमने खाना पीना तो हमने खा ही लिया था रात को, एंड अब हम बस चुपचाप सो जाएंगे। कल सुबह भी हमारा शूट है, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग टाइप से, जैसे कि आई थिंक सबको 7 साढ़े 7 बजे तक तो उठ जाना पड़ेगा, क्योंकि 8 बजे तक शूट करके एंड वी आर प्लानिंग टू जस्ट गो बैक बिकॉज, एंड बस अब हम सोने चलते हैं। सो गुड नाइट एवरीवन। नेक्स्ट मॉर्निंग। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। 8 बज गया है, हम लोग उठ चुके हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे बीच साइड में एक तो ये आप देख सकते हो, अगर एक तो दही बड़ा बेचने वाले अंकल थे, जो मतलब इडली बड़ा वगैरह बेच रहे थे, एंड ऑब्वियसली कटक वाली हूँ तो दही बड़ा तो सबसे पहले खाऊंगी। तो ये है मेरा दही बड़ा, ये मैंने अंकल को बोला है बहुत अच्छे से मिर्ची विर्ची डाल के करना। अभी बस तो अभी मैं ये खाने वाली हूँ, वो लोग शूट करने वाले, मैं बस उनको ऐसे देखने वाली हूँ। और अभी 8 बजे है ना, तो आई थिंक विद इन 1-2 आवर्स में दे विल रैप अप देयर शूट एंड देन विल गो होम। हम जाएंगे भुवनेश्वर, फिर हम जाएंगे कटक। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, मैं फटाफट खा लेती हूँ। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। सो गाइज, यहाँ हमारा मॉर्निंग का शूट हो रहा है, ठीक है। दिस भैया इज शूटिंग, वो थोड़े बहुत रनिंग शॉट्स होते हैं ना जो बीच में लेते हैं, वही सब यहाँ पे अभी चल रहा है। ये हमारा लास्ट शूट होगा एंड देन उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा इंडोर शूट चल रहा है, आई एम राइट हियर। वन इटर्निटी लेटर। गाइस, वी आर बैक इन भुवनेश्वर एंड अभी मैं जा रही हूँ नायका शॉपिंग वगैरह करने के लिए, थोड़ा बहुत शादी के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा अपने हिसाब से कंसीलर वगैरह चाहिए था। तो लेट जस्ट गो। मैंने शॉपिंग कर लिया है, ठीक है, एंड यहाँ पे इनके पास ऑफर था कि इफ यू परचेज अबव 3000 तो वो आपको एक स्लिंग बैग फ्री में देंगे। मेरी व्हाई आर यू लुकिंग लाइक दिस? देखो एंड लुक एट माय, मतलब ऐसे मैं जा रही हूँ नायका में, लाइक यू बाय हुडा एंड एवरीथिंग। लोग क्या ही सोच रहे होंगे, पर छोड़ो, ठीक है। एंड मैं उनके लाइक वो ऑफर में आ गई और मैंने स्लिंग बैग ले लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और एक्चुअली मुझे फ्री की चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो मैंने फटाफट लाइक 3000 किया एंड देन स्लिंग बैग ले ली। अब हम लोग कटक जाएंगे, है ना। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज व्लॉग। सो यहाँ पे हमारा प्री वेडिंग का जो बिहाइंड द सीन्स का सीरीज है वो खत्म हो गया, 2 पार्ट्स थे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में आप लिंक दे दूंगी, यहाँ पे या यहाँ पे पता नहीं, तो आप वहाँ पे ज़रूर वहाँ से आप चेक कर सकते हो फर्स्ट पार्ट। एंड फर्स्ट पार्ट भी काफ़ी लोगों को पसंद आया, तो सेकेंड पार्ट इज़ आउट एंड आप सबने देख लिया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियोज। एंड अभी और भी बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस आने वाला है, सो गाइस स्टे ट्यून्ड। टिल देन आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।